इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के कुछ लोगों पर इसराइल की सेना ने सख्ती दिखाई। ये लोग वहां दूसरे कई इलाकों में इसराइल के कब्जे की कोशिश का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए, जिन पर इसराइल के सैनिकों ने फायरिंग कर दी, क्योंकि फिलिस्तीन के ये लोग इसराइल की सेना के रास्ते से हटने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में इसराइल के जवानों ने उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे, उन्हें वहां से हटाने के लिए जमकर धक्का मुक्की की, लेकिन प्रदर्शनकारी भी अपनी जिद पर अड़े रहे, वो वहां से हटने को तैयार नहीं दिखे, जिसका नतीजा ये हुआ कि इसराइल की सेना ने उन पर गोलियां बरसा दी। बताया जा रहा है कि ये प्रदर्शनकारी उस सड़क पर जुटे जहां से इसराइल की सेना का लगातार आना जाना बना रहता है। वहां प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर रखकर उनमें आग लगा दी। कहा जा रहा है कि इस झड़प के दौरान फिलिस्तीन के 5 लोग घायल हो गए, जबकि 16 साल के एक लड़के की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि वो इसराइल की सेना से बचने के लिए दूसरे प्रदर्शनकारियों के साथ वहां से भाग रहा था, तभी उसके सीने में गोली लग गई, जिसने उसकी जान ले ली।